दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिजली बिल माफ़ी योजना झारखंड। दोस्तों, अगर आप भी झारखंड राज्य के हैं और अपना बिजली बिल माफ़ी योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसकी क्या पात्रता होती है, के लिए अपना बिल बिजली का जो बिल है वो माफ़ करवा सकते हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। जानने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झारखंड बिजली बिल माफ़ी योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि झारखंड में रहने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए दोस्तों ये योजना चलाई गई, जिसमें लोगों की बिजली के बिल राहत प्रदान करता है। झारखंड परिवार में आने वाले बिजली बिल को लेकर छूट दी जाती है। इस छूट को अनुसार यहाँ पर जो भी दोस्त यहाँ पर आपके आर्थिक सहायता राहत प्रदान किया जाता है तो आपका बिल माफ़ किया जाएगा अगर लिमिट में आप उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि आप जो है कमज़ोर वर्ग के लिए बिजली बिल माफ़ी योजना होती है और इसमें जो भी दोस्तों मुख्य उद्देश्य का यही कि गरीब परिवारों को बिजली बिल को कम करना है और उन्हें बिजली राहतों से दिलाना है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि अगर आप बिल माफ़ी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा घरेलू बिजली उपभोक्ता 200 यूनिट तक बिजली फ्री मुफ्त दी जाती है, अर्थात इस बिजली बिल माफ़ी योजना के अंतर्गत 200 यूनिट तक आप बिजली खपत करने पर कोई भी बिल नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया बिजली माफ़ी के लिए उन लोगों के लिए अपने घरों में जो 1000 वाट से कम बिजली का उपयोग करते हैं और उन्हें इस बिजली बिल का माफ़ी योजना का लाभ प्राप्त होने वाला है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो है सरकार अलग अलग राज्यों से अलग अलग यूनिट के हिसाब बिजली बिल माफ़ करती है और उत्तर प्रदेश सरकार बिजली बिल 200 यूनिट तक माफ़ किया है, वहीं झारखंड ने भी 200 यूनिट तक माफ़ किया है। तो उसके साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आप बिजली बिल माफ़ी योजना लिस्ट उत्तर प्रदेश झारखंड राज्य द्वारा 200 यूनिट बिजली मुफ्त बिजली देने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर बिजली बिल माफ़ी द्वारा दोस्तों यहाँ पर आपका लिस्ट में नाम देखा जाएगा और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहला दोस्तों बिजली बिल माफ़ी के लिए दोस्तों पात्रता की बात करें और इसके फ़ायदे क्या हैं, तो झारखंड बिजली बिल माफ़ी योजना के तहत पुराने बिल को माफ़ कर दिया जाएगा, इसके बाद भविष्य में आने वाले बिजली बिल पर छूट दी जाएगी और इस योजना के अंतर्गत झारखंड में निवास करने वाले लोगों को 200 से कम यूनिट बिजली माफ़ कर दिया जाएगा। उसके साथ उसमें झारखंड में रहने वाले अब पुराने बिल भरने में जैसे कि यहाँ पर 3620 करोड़ का तक बजट जारी किया गया था ताकि उनका बिजली बिल माफ़ किया जा सके। तो यहाँ पर आप बात करते थे पात्रताएँ की, तो पात्रता इसमें क्या है, जिस योजना के अंतर्गत झारखंड में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो घर का बिजली बिल माफ़ किया जाए और वही लोग जो पात्र होंगे और जो मूल रूप से इसी राज्य के निवासी होंगे झारखंड के, तो गरीब और कठिनाइयों से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं तो वो पात्र माने जाएंगे। उसके साथ अगर झारखंड में रहने वाला कोई व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन करना चाहता है तो इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तब उसके घर के सदस्य का कोई भी सरकारी नौकरी सर्वेंट नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसके लिए इस योजना का पात्र उपलब्ध, यानी कि आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी कर रहा है और आप इस योजना के तहत बिजली माफ़ी का आवेदन कर रहे हैं तो आपका माफ़ नहीं होगा। अब ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दोस्तों आधार कार्ड, आपके घर के पुराने बिजली बिल की फ़ोटोकॉपी और राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और आपका चालू मोबाइल नंबर इत्यादि चीज़ें दोस्तों आप लगेंगी। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार इस योजना के लिए आवेदन किसी प्रकार की जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप बिल माफ़ी नहीं होता है तब आप अपने एरिया के इलेक्ट्रिक पावर सेंटर सप्लाई में जा कर के आप जो वहाँ पर जा कर के जो है उपरोक्त डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद और वहाँ पर बिजली बिल से जुड़ा ऑफलाइन आवेदन प्रोसेस इस तरह से पूरा करवा सकते हैं, यानी कि जहाँ पर आपका बिजली घर है, ठीक है, जहाँ से आपकी बिजली आती है तो वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर ये ऑफलाइन तरीके से आपको फॉर्म भरना है और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, वहीं से आपका बिजली बिल।